सिटी न्यूज। अब जी ले, अब है पी ले, तेरे दिल में भी कहीं प्यास छुपी है। विश्व कप के आयोजन के दौरान उजाला सिटी न्यूज अपने दर्शकों के लिए पेश कर रहा है मैच का विवरण। शुक्रवार ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड नागपुर, बांग्लादेश वर्सेस आयरलैंड ढाका। पहले एक नजर राजधानी की हलचल पर। अमीनाबाद संवारने को मुख्यमंत्री से करेंगे पैरवी। स्वास्थ्य मंत्री ने व्यापारियों को दिया आश्वासन। पुलिस में फिर लागू होगी प्रमोशन की पुरानी व्यवस्था। डीजीपी ने किया नियमावली में संशोधन का अनुरोध। पुराने लखनऊ में जल्द दूर होगा पेयजल का संकट। बालागंज वाटर वर्क में जल शोधन यंत्र तैयार। पावर कॉर्पोरेशन में नई भर्ती की प्रक्रिया शुरू। मार्च के पहले सप्ताह में प्रकाशित होंगे विज्ञापन। चिन्हट से पीजीआई के बीच सीधी बस सेवा शुरू। गोमती नगर व चारबाग होकर तय कर रही है सफर। आप देख रहे हैं उजाला सिटी न्यूज। राजधानी में लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाने वाला नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार लखनऊ, उजाला सिटी न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। पेश है आज की प्रमुख खबरें और विशेष कार्यक्रम। पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गांधी भवन में हुआ सास बहू सम्मेलन। एनसीसी की सफलता पर हुआ समारोह। प्लाईवुड फैक्ट्री में फटा बॉयलर। नारी की दशा पर हुई परिचर्चा। मेहमान के अस्थाना साहित्यकार। उजाला अदबी मंच में सूफी कलाम की सजी महफिल। स्पेशल स्टोरी में सूखे मेवे के भी अब बढ़े दाम। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम, विभिन्न विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा विशेष जानकारियाँ। रविवार कारोबार, सोमवार कला संस्कृति, मंगलवार आपकी सेहत, बुधवार विज्ञान, गुरुवार उजाला अदबी मंच, शुक्रवार खेल विशेष, शनिवार मनोरंजन। विशेषज्ञों द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो विशेषज्ञों का अपना मत है, इसमें उजाला सिटी न्यूज का कोई मत शामिल नहीं है। अब देखिए खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जनपद लखनऊ की ओर से आज गांधी भवन में सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें जिला अधिकारी अनिल सागर मुख्य अतिथि एवं सीएमओ डॉक्टर ए के शुक्ला विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। गांधी भवन के प्रेक्षागृह में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जनपद लखनऊ के सास बहू सम्मेलन में विभिन्न स्थानों से आई महिलाएं शामिल हुईं। सम्मेलन के दौरान यूनिसेफ सहित कई संस्थानों ने जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी देने के लिए स्टॉल लगाए। जिला अधिकारी अनिल सागर एवं सीएमओ डॉक्टर ए के शुक्ला ने सास बहू सम्मेलन को संबोधित किया। इसकी आयोजक डॉक्टर नाहिरा साकी ने बताया कि ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाओं के लिए सम्मेलन काफी लाभप्रद साबित होगा। इससे सास बहू सम्मेलन के लिए बहुत बहुत बधाई, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि ग्रामीण क्षेत्र के दूर दूर से लोग आके इस संवाद में शामिल हुए हैं। और इस संवाद का मंशा यही है कि जो रोजमर्रा की समस्याएँ हैं, सास बहू एक इकाई है समाज की, उसी से शुरुआत होती परिवार की। अगर ये इकाई मजबूत होगी तो हमारा परिवार मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और तभी हम अपने कार्यक्रम को और स्वास्थ्य में एक मातृ शिशु स्वास्थ्य का जो मुख्य मुद्दा है या समस्या है उसका हल निकाल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। माउंटफोर्ड इंटर कॉलेज महानगर में आज एनसीसी की 5 यूपी एयर स्क्वाड की शानदार सफलता पर विशेष समारोह का आयोजन हुआ। इसमें विंग कमांडर आर के नारंग मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
समारोह में रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने के साथ पुरस्कार वितरित किए गए। माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज महानगर में एनसीसी के 5 यूपी एयर स्क्वाड स्थापित हैं। इसमें शामिल कॉलेज के छात्रों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में शानदार सफलता हासिल की गई। अंडर अफसर एवं कॉलेज के छात्र अंकित मिश्र को भारत में सर्वोत्तम कैडेट घोषित किया गया। छात्रों ने अन्य प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल किए। इस शानदार सफलता के लिए माउंट फोर्ट इंटर कॉलेज में आज विशेष समारोह हुआ। समारोह में छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। मुख्य अतिथि विंग कमांडर आर के नारंग ने इस मौके पर छात्रों को पुरस्कृत किया। उजाला सिटी न्यूज। तारकटोरा थाना अंतर्गत विजयखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किरण प्लाईवुड फैक्ट्री में अचानक बॉयलर फटने से फैक्ट्री में आग लग गई। इस घटना में एक श्रमिक की मौके पर मौत हो गई और 8 अन्य घायल हैं। बॉयलर फटने से इतना जोरदार धमाका हुआ कि सड़क पर खड़ा ट्रक पलट गया और आसपास के मकानों की खिड़कियां चिटक गईं। तालकटोरा थाना अंतर्गत विजयखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में स्थित किरण प्लाईवुड फैक्ट्री में बुधवार को नाइट शिफ्ट में 25 श्रमिक कार्य कर रहे थे। अचानक तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया और आग लग गई। इस घटना के दौरान आसपास के लोग दहल गए। सूचना मिलने पर पुलिस एवं फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घायलों को आनन फानन अस्पताल पहुंचाया गया। एक श्रमिक की मौके पर मौत की जानकारी मिली है। फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। बॉयलर फटने की जाँच हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा और अस्तित्व संस्था के संयुक्त तत्वाधान में आज नारी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष यशवंत उदयभान निको से शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर रूपरेखा वर्मा एवं अन्य प्रमुख लोग शामिल हुए। संविधान में हिंदू कोड बिल के 60 वर्ष पूरे होने पर आज विधानसभा मार्ग स्थित बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा के कार्यालय में नारी सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें वर्तमान समय में नारी की दशा पर चर्चा हुई। विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति डॉक्टर रूपरेखा वर्मा, साहित्यकार मुद्रा राक्षस, समाज सेविका सीमा मलिक सहित अन्य प्रमुख लोगों ने सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्य अतिथि यशवंत उदयभान निकोसे ने कहा कि नारी की दशा के बारे में समाज को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसमें की नेतृत्व किया, जिसकी परिकल्पना में उसको 60 साल पूरे हो रहे हैं, उसकी मैं बधाई इस संदर्भ में देना चाहूंगी। हिंदू कोड बिल में जो भी आया वो स्त्री आंदोलन के सपनों का ढांचा तो नहीं था, एक संपूर्ण ढांचा नहीं था, लेकिन यथास्थितिवादियों, परंपरावादियों, नारी विरोधी ताकतों, समतावादी समता विरोधी ताकतों के जबरदस्त विरोध और लड़ाई के बावजूद जो कुछ हिंदू कोर्ट में आ पाए। ब्यूरो रिपोर्ट उजाला सिटी न्यूज। रविंद्रालय चारबाग में डॉक्टर हयात उल्लाह अंसारी की 12वीं पुण्यतिथि पर अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ। केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने इस मौके पर उद्घाटन किया। इस मौके पर तालीम घर द्वारा संचालित उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के संचालकों को डॉक्टर हयात उल्लाह अवार्ड से नवाजा गया। समारोह में खालिद महमूद की पुस्तक सब रंग नव का विमोचन हुआ। तालीम घर द्वारा डॉक्टर हयात उल्लाह अंसारी की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित अवार्ड समारोह का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि केंद्र सरकार सच्चर कमेटी की सभी सिफारिशों को लागू करेगी। अब तक 25% सिफारिशों को लागू किया जा चुका है। उन्होंने उर्दू की तरक्की के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। समारोह में तालीम घर की ओर से संचालित उर्दू ट्रेनिंग कोर्स में संचालकों को डॉक्टर हयात उल्लाह अवार्ड प्रदान किए गए। इस मौके पर प्रोफेसर साबिरा हबीब, डॉक्टर सादिया खान, डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी, पत्रकार कुतुबुल्ला, तालीम घर के निदेशक सिदरत उल्लाह अंसारी आदि मौजूद रहे। इतना हमें अपनी जरूरत दिलाना चाहिए,
अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी उत्तर प्रदेश में तो यूपीसी को उर्दू टीचर में प्राथमिकता मिलेगी, ये हम आपको इसलिए जितना हमारे अधिकार क्षेत्र में है उतना तो हम आपसे